अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं निविश और आप देख रहे हैं इंस्टा स्टाइल दी पर्सनल स्टाइल चैनल, पाकिस्तान पर्सनल स्टाइल चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्चुअल स्टाइलिंग। व्हाट इज़ वर्चुअल स्टाइलिंग एंड हाउ इज इट वर्क, कि वर्चुअल स्टाइलिंग क्या होती है और ये किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्चुअल का मतलब हमें समझना चाहिए कि वर्चुअल का मतलब होता क्या है। तो वर्चुअल का मतलब होता है घर से काम करना, घर बैठ के काम करने को वर्चुअल वर्क भी कहते हैं। तो जहाँ ये कोविड के टाइम में जहाँ पूरी दुनिया घरों तक महदूद होकर रह गई थी, वहाँ पे ये वर्चुअल वर्क ही तरह से बहुत तरक्की मिली। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो गई कि वर्चुअल का मतलब होता है कि आपको घर से बैठ के काम करना। ठीक है, अब घर से बैठ के काम करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब मुमकिन है कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठ के आप जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू वीडियो कॉल भी। और अब यहाँ समझने की बात यह है कि पर्सनल स्टाइल जो है वो वर्चुअल स्टाइलिंग कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये बात जानी तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो के लिए। अगर कोई हमारा क्लाइंट है, ठीक है, वो अगर वो उसने हमसे वर्चुअल स्टाइलिंग करानी है तो हम उसको किस तरह से करते हैं इस काम को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जो है उसको मीटिंग अरेंज करते हैं उसके साथ। ठीक है, थ्रू वीडियो कॉल मीटिंग अरेंज कर लेते हैं। बहुत सारी दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप जो है वो आप किसी दूसरे सिटी से हैं या कोई प्रॉब्लम है, कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, कहीं इस तरह से मीटिंग, या किसी आउट ऑफ कंट्री मतलब कोई दूसरी जगह बैठ के अगर आप वर्चुअल स्टाइलिंग करवा रहे हैं तो ये भी एक चीज़ काउंटेबल होती है यहाँ पर। तो उसको भी वर्चुअल स्टाइलिंग के ज़ुमरे में ही लिया जाता है। वो भी वर्चुअल स्टाइलिंग ही होती है कि आप जो है वो थ्रू वीडियो कॉल जो है अपने क्लाइंट के सामने, ठीक है, तो उसके आप उसमें हमसे सवाल करते हैं, जवाब करते हैं, हम आपसे आपकी पर्सनैलिटी से रिलेट, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका बजट, आपके ये चीज़ एवरीथिंग, ठीक है, हम आपसे सवाल करते हैं उसके बारे में। तो फिर हम आपकी शख्सियत का बहुत जायज़ा लेके आपको जो है वो गाइड करते हैं बेहतर तौर पे कि आया आपको किस किस्म की ड्रेसिंग या आपको किस तरह की चीज़ें आपको सूट करेंगी, आपको किस तरह की चीज़ें आपको करनी चाहिए जो आपके पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग हो। तो वहाँ पे हम आपका स्टाइल फाइंड करते हैं, ठीक है, आपको सजेस्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर रहेगी। तो इस सर्विस को अवेल करने के बाद आपको आसानी हो जाती है अपना स्टाइल को फाइंड करने के लिए कि आया आपका पर्सनल स्टाइल क्या है। ठीक है, आप अपना सिग्नेचर स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं कि आपका स्टाइल क्या है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपको खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आपके स्टाइल को फाइन करने से लेके आपके स्टाइल को ट्रांसफॉर्म करने तक हम आपकी मदद करते हैं। ठीक है, आपके साथ। तो इस मेथड के थ्रू क्या होता है कि आपको इस परेशानी से निकल जाते हैं कि हम क्या पहने, कौन सा स्टाइल कैरी करें, या हम किस तरह के एक्सेसरीज को यूज़ करें, या हम कैरी करें जो हम सूट करेगी या नहीं करेगी, फिर हमारा बजट इतना है, आया इस बजट में हम ये चीज़ें इसको अफोर्ड भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या किस तरह इसको अफोर्डेबल बनाया जा सकता है। तो इन तमाम सवालों का जवाब भी वर्चुअल स्टाइलिंग जो है, इट डजंट मैटर कि आप कहाँ हैं, तो वर्चुअल स्टाइलिंग में आपके तमाम प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिल जाते हैं। आपको जो है वो आपके घर बैठे ही अब आपके इन तमाम प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी मिल जाते हैं। आपकी ये फिक्र भी खत्म हो जाती है कि आप पहने, किस तरह पहने, कहाँ से खरीदें, ये सब चीज़ें हम आपको गाइड कर देते हैं। ठीक है, आपकी आसानी के लिए, तो आपको ईजी हो जाता है इसके थ्रू अपने स्टाइल को जो है फाइंड करने में, उसको कैरी करने में। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो वर्चुअल स्टाइलिंग से रिलेटेड। तो हमें उम्मीद रहेगी आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, कमेंट्स में अपनी आरा का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।